तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लोड बैलेंस और ACL और ऑफसेट लिस्ट की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो जाने का जो हमारे पास मैट्रिक थी कितनी थी, जरा बोलेंगे मेरे को? इफ़ वी आर गोइंग फ्रॉम दिस इंटरफेस कितनी आ रही थी? 2174 2174 4976 976, और नीचे से जाते हैं तो क्या थी? 2174 16 2174 2416। ये आपके पास जो है सक्सेसर है और ये फीजिबल सक्सेसर है। FS वेरिएंस फैक्टर की तो हम देख सकते हैं, देख चुके हैं कि वो बैलेंस नहीं करता, लोड को शेयर कर रहा होता है। बट बैलेंस अगर कराना हो तो ACL और ऑफसेट के जरूर बैलेंस कराया जा सकता है एक पैकेट करके। तो हमने क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि R1 राउटर में हमने जाना होगा, और R1 राउटर में जाने के बाद हम कॉन्फ़िग टीप एक ACL क्रिएट करेंगे, और वो ACL क्रिएट की जाएगी 50 की नेटवर्क के लिए। एक्सिस हाइफन लिस्ट लेट से 50, और परमिट, और जो नेटवर्क है वो है 50.0.0.0 और 0.255.255.255। इसके बाद हम यहाँ जाएंगे राउटर EIGRP के अंदर, राउटर EIGRP, और इसका प्रोसेस है 100, और यहाँ लिखेंगे ऑफसेट लिस्ट, ऑफसेट हाइफन लिस्ट, और यहाँ पर इस लिस्ट के बाद वो नंबर 50। डायरेक्शन कौन सी, क्योंकि हम जो इंक्रीज करना चाहते हैं यहाँ पे यहाँ से जो मैट्रिक है ये वाली वैल्यू है और ऊपर से ये वाली वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे कि 217 4976 में से माइनस कर देंगे 217 2416, तो कितना आ जाएगा? ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, और ये कितना हो गया? 5, और ये कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2560 वैल्यू ऊपर वाली ज़्यादा है। तो जब ये मैट्रिक यहाँ से आ रही है तो इसमें आते वक्त हम क्या करें कि इसके अंदर एडिशन कर दें किसका? 2560 का। जब ये यहाँ पे जाएगी तो इसको इस वाले प्रोसेस में ये वैल्यू भी मिलकर कितनी हो जाएगी? 217 हो जाएगी, 217 4976, यानी लॉन्गेस्ट मैच ATR मैट्रिक दोनों कॉमन इसको मिल जाएगा। तो राउटिंग टेबल में दोनों पात आ जाएंगे, एक पैकेट ऊपर से थ्रो हो जाएगा एक नीचे से, अगर सेफ डिसेबल्ड होगा तो। हम क्या करेंगे, जो डायरेक्शन है ये क्या है? इन हो रहा है। कौन से पोर्ट पे? S0/2 के ऊपर। तो हमने क्या किया यहाँ पे, डायरेक्शन ली इन, कितना बढ़ाना है वैल्यू को, कितनी वैल्यू बढ़ानी है? 2560। कौन से पोर्ट के ऊपर? S0/2 के ऊपर। इसको एंटर कर देंगे, शो आई पी राउट EIGRP करेंगे, उसमें 50 का नेटवर्क देखेंगे, दोनों पाथ पड़े होंगे। देखते हैं, R1 पे हमें जाने हैं। R1 पे जाने के बाद हमने एक ACL को फॉर्म करना है, एक्सेस लिस्ट लेट्स से 50, और परमिट करने का है 50000 और 0.255 255 255, और राउटर EIGRP का ये 100, ऑफसेट लिस्ट, और ऑफसेट लिस्ट में ये 50, उसके बाद डायरेक्शन इन, इंक्रीज कितना करना है? 2560, और सीरियल S0/2, शो आई पी राउट EIGRP। यहाँ पे हम देखेंगे तो 50 के हमें दो रास्ते नजर आ रहे होंगे, एक ही वो आ रहा होगा। हो गया जी, हो गया। तो 50 के ये दो रास्ते आपके पास नजर आएगा, जिसके अंदर लॉन्गेस्ट मैच ADR मैट्रिक तीनों ही कंपोनेंट्स कॉमन है, तो तीनों ही कॉमन है, तो दोनों से एक एक पाथ ही जाएगा, एक पैकेट ही जाएगा। यहाँ से अगर हम पिंग करना चाहेंगे, डीबग शायद पहले से होने, जो भी हम करेंगे यहाँ से रिपीट, एक पैकेट आना चाहिए। एक बार तो आपका ये लोड बैलेंस हो रहा है, तो बैलेंस अगर करना हो तो ACL और ऑफसेट के थ्रू बैलेंस किया जा सकता है।
ये हमने यहाँ से अप्लाई किया है, आप घर से अप्लाई कर लें, हमने किया इनबाउंड किया आते वक्त, आप उस साइड से भी कर सकते हैं।